हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें सिर्फ आज हम लोग जीके का क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे समूह से संबंधित हैं। ऑप्शन देखेंगे आपका, ऑप्शन नंबर 1 फेनोरोगेमस, ऑप्शन नंबर 2 थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर 3 टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर 3 ब्रायोफाइटा। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थैलोफाइटा। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बात है दो क्वेश्चन नंबर मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व के गुणों को उनके ऑप्शन के हिसाब चलेगा का आवाधिक स्वभाव माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर 2 परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 3 परमाणु का आकार, ऑप्शन नंबर 3 आयनीकरण एन्थैल्पी। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2 परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आधुनिक आवधिक स्वभाव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान ऑप्शन नंबर 1 बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 2 कम होता है, ऑप्शन नंबर 3 आधा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 एक ही रहता है। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 एक ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, पांचवी रीजनिंग क्वेश्चन है। आज हम लोग सिर्फ जीके देखेंगे, रीजनिंग को तो सॉल्व करने में समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या के बराबर, या द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के बराबर, या परमाणु संख्या के बराबर, या इलेक्ट्रॉनिक संख्या के बराबर? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्रव्यमान संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इधर रीजनिंग है। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, इसमें जीके है। किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत विभाजन अधिनियम 1947, या पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 1947? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजित हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। इधर भी आपको हाँ क्वेश्चन नंबर 13 है साइंस। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या बेलनाकार दर्पण, या समतल दर्पण? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अवतल दर्पण। अब इधर आपको क्वेश्चन नंबर 17। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या क्लोरीन? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्लोरीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन, इलेक्ट्रोलिसिस, या कैल्सीनेस, या रोस्टिंग? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन है? सौरव गांगुली, आमिर खान, शाहरुख खान, या सुब्रत रॉय? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शाहरुख खान कोलकाता के मालिक हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चिंतावन उपन्यास हाफ ऑफ वाट आई से लेखक कौन है? शशि थरूर, अनिल मेनन, नमिता गोखले, या के आर मीरा? इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2 अनिल मेनन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रा स्फीति होगा? पेट्रोलियम, दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल, या स्मार्टफोन? इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोलियम पे। क्वेश्चन नंबर 34। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में ऑप्शन नंबर 1 प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, वंश विविधताओं को दर्शाता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, या युग्मक के केंद्रों का संलयन होता है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर 37 पे। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार है
अध्यक्ष कौन है? शरद पवार, प्रणय रॉय, अभिनव बिंद्रा, नरेंद्र ध्रुव बन्ना। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र ध्रुव बन्ना। अभी चेंज हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 39, उस धातु का नाम बताए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको सोडियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, कितना क्वेश्चन नंबर आएगा, क्वेश्चन नंबर 44। तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी अनुसार कौन है? के रसैया, सुब्रमण्यम स्वामी, सत्यपाल मलिक या फिर बनवारी लाल पुरोहित। इसका आपके सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, बनवारी लाल पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 46 पे देखते हैं, रेनवियर के नोट सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो मायोलिनकृत एक्सोन में पाए जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट में पाए जाते हैं, ग्रंथि कोशिकाओं में पाए जाते हैं, क्रोंडोब्लास्ट में पाए जाते हैं। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, मायोलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। अब आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 50 पे, इनमें से कौन से एक से प्रोटोरोप है? कबूतर, कुकुरमुत्ता, पुरुष या शैवाल। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52, फरवरी मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी अनुसार इलाहाबाद बैंक के SMD और CEO कौन है? उषा अनंत सुब्रमण्यन या अरुंधति भट्टाचार्य, चित्रा रामकृष्ण या शिखा शर्मा। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उषा अनंत सुब्रमण्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान त्वरण, द्रव्यमान और वेग या द्रव्यमान और जड़ता। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग। क्वेश्चन नंबर 56, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? बेग, संवेग, बल या दूरी। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेग। क्वेश्चन नंबर 57, NH4 × 2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, 1 kWh बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, ऑक्टेवस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? रेडियम, थोरियम, लोहा, रोडियम। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, दिस एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करण महाजन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? फॉर्मिक, टेनिक, ऑक्जेलिक या मैलिक अम्ल, कौन सा अम्ल? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल, चींटियों में पाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 71, प्रतिरोध की एसआई इकाई है कूलम, ओम, जूल या न्यूटन। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम, प्रतिरोध एसआई मात्रक ओम होता है। अब देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 73, ये इसका लास्ट जीके का क्वेश्चन है, फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? अमित मित्रा, विवेक देवरा, अमर सेन या नजम हेपतुल्ला। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक देवरा। इसमें अब जीके खत्म हो गया, आज का सेट खत्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।